आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भीलवाड़ा में निकलेगी 75 किलोमीटर लंबी आजादी गौरव यात्रा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष रामपाल शर्मा की अगुवाई में आयोजित हुई बैठक। आरएसएलडीसी के प्रशिक्षणार्थियों ने आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए बनाए खिलौने और बैग। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर रुक्मणी सिहाग द्वारा किया गया अवलोकन। राज्यपाल कलराज मिश्र ने रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेशवासियों को दी अग्रिम शुभकामनाएं। कहा, ये पर्व भाई बहन के प्यार, स्नेह, कर्तव्य और दायित्व बोध का प्रतीक। रक्षाबंधन का पावन पर्व है कल। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने रक्षाबंधन पर प्रदेशवासियों को दी अग्रिम शुभकामनाएं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पंजाब के बूढ़ानाला से आने वाले गंदे जल का जल्द होगा निस्तारण। पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिया आश्वासन। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया एक दिवसीय सीकर दौरे पर। लंपी डिजीज को लेकर ली बैठक। कहा, अधिकारी इस बीमारी को गंभीरता से लेते हुए पशु धन बचाने का करें प्रयास। राज्य में अध्ययनरत विशेष योग्य जन विद्यार्थियों से छात्रवृत्ति के लिए मांगे आवेदन। 20 अगस्त से कक्षा 9 से लेकर उच्च शिक्षा हेतु आवेदन होंगे ऑनलाइन। संस्कृत दिवस पर देश और प्रदेशवासियों को राज्यपाल कलराज मिश्र ने दी बधाई। युवाओं से संस्कृत भाषा के प्रति रुझान बढ़ाने का किया आह्वान। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इंदिरा महिला शक्ति आंगनबाड़ी केंद्र पर सप्ताह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। केंद्र प्रबंधक सुप्रिया वरावड़ ने महिलाओं को विभिन्न योजनाओं के बारे में दी जानकारी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उदयपुर में आजादी के महानायकों के परिजनों का किया गया सम्मान। उदयपुर कलेक्टर ताराचंद मीणा के निर्देशन में आयोजित हुआ कार्यक्रम। संस्कृत दिवस के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। कहा, सूचना तकनीक के उपयोग से बढ़ाई जाए युवा पीढ़ी में संस्कृत के प्रति जागरूकता। मानव उत्थान सेवा समिति जयपुर की ओर से जरूरतमंद बच्चों को पाठ्य सामग्री का किया गया वितरण। मिशन एजुकेशन अभियान के तहत 500 बच्चों तक पहुंचाई सामग्री। पशुओं में लंपी स्किन बीमारी का कहर जारी। जोबनेर क्षेत्र में भामाशाहों के सहयोग से गोवंशों पर किया गया आयुर्वेदिक दवा का छिड़काव। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 61 सब एरिया एवं केंद्रीय संचार ब्यूरो राजस्थान के अधिकारियों द्वारा शुरू किया गया हर घर तिरंगा अभियान। सैनिकों के परिवारों को बांधे गए रक्षा सूत्र। और आजादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के तहत निबाहेड़ा में भाजपा की ओर से चलाया गया अभियान। वार्ड पार्षद सहित अन्य कार्यकर्ता घर घर बांट रहे तिरंगा।